कोरिया जिले में कोरिया कालरी पुलिस द्वारा अवैध तरीके से लोहे कबाड़ का अवैध कारोबार करने वालों को धर दबोचा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30,000 रुपए बांटी जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले में लोहे के कबाड़ बहुत बड़े स्तर से अवैध तरीके से चलाए जाते हैं। इसी क्रम में कोरिया कॉलरी पुलिस चौकी प्रभारी राम बाबू धोरे से मिली जानकारी के आधार पर जंगल से एक पिकअप जिसमें अवैध लोहा जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 है और साथ में एक आरोपी को धर दबोचा है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि लोहे के कबाड़ का अवैध कारोबार जिले में बहुत तेजी से चल रहा है, जिस पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे को सूचना मिली कि कुछ लोग महुआ बाबा के पास जंगल में कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो सूचना पर हम स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक पिकअप जिसका नंबर है CG16CX1477 जा रही थी, तो उसको हम लोग पकड़ के और उसमें लोहा कबाड़ लोड था। फिर चालक से पूछे अपना नाम मुन्ना और राजकुमार बताया राम कुमार, जिससे पिकअप एवं लोहा जब्त किया गया है और उसको गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर चेन्नई न्यायालय भेजा गया है।